अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जनता के साथ रेवड़ी पर चर्चा शुरू की है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि जनता का पैसा, जनता की रेवड़ी, तो उस पर हक भी जनता का ही है। अगर दिल्ली में बीजेपी आ गई तो वो जनता को मिलने वाली 6 रेवड़ियां बंद कर देगी। दिल्ली फिर से पुराने दौर में चली जाएगी। पहली रेवड़ी है दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये पहली रेवड़ी है। अब याद करो दिन हमारे से पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन दिनों में 8 से 10 घंटे के पावर कट रोज लगते थे। हमने आके दिल्ली में 24 घंटे बिजली की, अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते। इनके 20 राज्यों में से, बीजेपी के जो 20 राज्य हैं, इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली हो। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी वहां पावर कट लगते हैं। 30 साल में भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए वहां। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, हम इंजीनियर हैं, हमें 24 घंटे बिजली देनी आती है, उनको नहीं आती। तो 20 राज्यों में जहां उनकी सरकार है उनमें से एक भी राज्य में ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। हमारे से पहले यहां दिल्ली में लंबे लंबे, तो अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया, तो दिल्ली के अंदर भी 8 से 10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। तो कमल का बटन दबाने से पहले सोच लेना कि आप लंबे लंबे पावर कट के लिए बटन दबा रहे हो। दूसरा है मुफ्त पानी। दिल्ली में हम पानी, 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देते हैं। इनके 20 राज्यों में से किसी भी राज्य के अंदर पानी मुफ्त नहीं है। जब मैं जेल गया था, पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या गड़बड़ करी, कई लोगों के, मेरे को पता चला है कि कई हजार रुपए के पानी के गलत बिल आ गए हैं। उन सबका मैंने ऐलान किया है कि आपको पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, हमारी सरकार बनेगी, हम आपके सारे गलत पुराने बिल माफ कर देंगे और फिर से आपके जीरो आने लग जाएंगे। लेकिन आपने कमल का बटन दबा दिया तो ये सारे गलत बिल भरने पड़ेंगे आप लोगों को, ये सोच लेना कमल का बटन दबाने के पहले। तीसरा है अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बनाए। इनके 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा बता दो जहां पे ऐसे स्कूल हों, कहीं नहीं है। इनके स्कूल टूटे पड़े हैं, स्कूल टेंट में चल रहे हैं, स्कूल दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें टूटी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूल जाके देख लो, 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो आपका बच्चों का भविष्य फिर से अंधकार में हो जाए? आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, भविष्य बन रहा है बच्चों का, रिक्शे वालों के बच्चों का, मजदूरों के बच्चों का। फिर से आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपके बच्चों का, ये स्कूल फिर से बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने इनको वोट दिया तो। आज चौथी रेवड़ी है, आज दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल बन गए, जहां पूरा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। इनके किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ, 20 राज्यों में, कहीं भी सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं है, टूटे फूटे पड़े हैं सारे सरकारी अस्पताल। अगर दिल्ली में आपने इनको वोट दे दिया तो फिर से ये सारे सरकारी अस्पताल खराब हो जाएंगे। क्या आप चाहते हो कि फिर से सरकारी अस्पताल खराब हो और आपके घर में अगर बीमार हो जाए कोई और हजारों रुपए खर्च करके प्राइवेट में इलाज कराना पड़े? पांचवी रेवड़ी है महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बस यात्रा। इनके 20 राज्यों में से किसी में भी महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त नहीं मिलती। बीजेपी की हमेशा मांग रही है कि भाई हम इनकी बस यात्रा जो है मुफ्त बंद होनी चाहिए, तो अगर ये आ गए तो बस यात्रा, मुफ्त बस यात्रा बंद कर देंगे, और बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा की स्कीम है वो भी ये लोग बंद कर देंगे। तो ये 6 रेवड़ियां हम दे रहे हैं, ये 6 रेवड़ियां बीजेपी अगर आ गई तो बंद कर देगी। मध्य प्रदेश में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि किसी भी किसान पर पराली जलाने का मामला दर्ज हुआ तो बार एसोसिएशन से जुड़ा
कोई भी वकील उनकी पैरवी नहीं करेगा। कटरा से भवन तक रोपवे बनाए जाने के विरोध में 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया गया है। माँ वैष्णो देवी के लिए चलने वाला घोड़ा, पिट्ठू व पालकी सेवाएं भी स्थगित रहेगी। कटरा से भवन मार्ग पर दुकान भी बंद रहेगी। इस दौरान सिर्फ श्राइन बोर्ड की दुकानें व प्रतिष्ठान खुले रहेंगे, निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रोपवे बनाए जाने के खिलाफ लोगों ने रोष रैली निकाली, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि रोपवे पारंपरिक और पुराने मार्ग पर लगना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में संगठनात्मक बदलाव करते हुए भगवत मान ने प्रदेश अध्यक्ष का पद लेकर अमन अरोड़ा को सौंप दिया है। सीएम मान ने खुद यह जानकारी दी और भरोसा जताया कि अरोड़ा पार्टी और संगठन को मजबूत करेंगे। अरोड़ा को पंजाब में हिंदू चेहरा के रूप में देखा जाता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। वहीं बीजेपी को झटका लगा है। कोर्ट ने आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता की ओर से दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इन तमाम खबरों पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।